सब्सक्राइब कीजिए मुकीम सेवा यूट्यूब चैनल को और इस बेल बटन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों मैं आपके साथ एक अभिनव का स्वागत करता हूँ आपके अपने मुकीम सेवा में। दोस्तों मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता देता हूँ मुद्दे पे आता हूँ। आप जो थंबनेल देखे हैं रियलमी थ्री प्रो इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा रियलमी प्रो के बारे में कि क्या स्पेक्स थे उसके नए स्मार्टफोन में आने वाले हैं और किस तरीके वो कब लॉन्च होने वाला है, क्या क्या स्पेक्स उसके अंदर होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या अफवाहें भी आएंगी उसके लिए लीक्स के मुताबिक। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में Redmi का Note 7 लॉन्च हुआ था, जिसको टक्कर देने के लिए Realme 3 वालों ने अपना Realme 3 भी सोच के बनाया था, लेकिन वो ये भूल गए कि Redmi Note 7 जब लॉन्च हो रहा था तभी EMI वालों ने यानी Redmi वालों ने एक और प्लानिंग कर ली थी कि वो Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च करेंगे, जो कि अब तक का शायद इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन Realme 3 वालों को इस बारे में पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि भाई Redmi Note 7 ये तरह से टक्कर देने के लिए बना लेते हैं खाली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि उन्होंने 3 Pro के साथ साथ सॉरी Note 7 Pro के साथ साथ लॉन्च कर दिया। तो इसको टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने इवेंट Realme वालों ने इवेंट में कह दिया था कि हाँ हमारा फोन Realme 3 जो है वो Redmi Note 7 Pro को टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए वेट कीजिएगा, हम Realme 3 Pro बना रहे हैं जो कि उस पर टक्कर में होगा। दोस्तों फिलहाल आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की तरक्की भी चल रही है, तरक्की क्या समझ लो बहुत तेजी से चल रही है। मतलब अगर आज आपने एक स्मार्टफोन लिया तो कल को प्रोसीजिएगा भी ये क्या चीज़ इससे तो लेटेस्ट मेरे पास, मतलब आपका भी लेटेस्ट होने वाला नहीं हो, पैसा पहले से खर्च करते रहो, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं तुम पर Realme 3 Pro के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। दोस्तों कुछ मेरे पास ये डिटेल्स हैं जो कि आपको बताया था। सबसे पहला तो इसके लोगो डिजाइन को देखकर आपको दिखता होगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले आने वाली है इसके अंदर। यहाँ पर आपको कोई नॉच नहीं दिख रहा है, कोई वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, कोई पंच होल नहीं। तो दोस्तों फिलहाल आपको बताया था जो लीक्स होते हैं ना, ये लोग जो कंपनीज में काम करते हैं एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है वो सब बाहर लीक कर देते हैं दोस्तों। और कुछ जो है ना आजकल इंटरनेट सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है अफवाह फैलाने के लिए। दोस्तों Realme 3 Pro में पहले लीक आई थी कि आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी 6.5 इंच की, IPS डिस्प्ले नहीं बल्कि एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों आपको बताया था जो लीक्स आए हैं इसमें ये प्रॉब्लम गलत है। हाँ Realme 3 Pro में इतना सच है कि 6.5 इंच से 6 इंच से ऊपर की ही डिस्प्ले आने वाली है, लेकिन 99% श्योरिटी मैं भी देता हूँ मुझे भी पता है कि एमोलेड डिस्प्ले नहीं आएगी। अब दोस्तों जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं आने वाला है, ऐसा ट्वीट में भी कहा था। उसमें सिर्फ वाटर ड्रॉप नॉच ही आएगा जो कि Realme 3 में भी था, जो सेम जैसा यूवन में भी है। दोस्तों सेम उसमें वही वाटर ड्रॉप नॉच ही आने वाला है। तो दोस्तों जो सोच रहे हैं कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले आएगी तो ऐसा उसके अंदर नहीं है। दूसरी बात करते हैं उसमें बोल रहे हैं लोगों की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाली है जो भी काफी अच्छी क्लियरिटी के साथ आएगी। दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं आने वाली है बिल्कुल भी, नॉर्मल फुल एचडी डिस्प्ले होता है इसके प्लस पूरी डिस्प्ले उसमें आने वाली है, इसका आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आगे उसमें आपको आप सोचोगे Redmi Note 7 Pro में 14 MP कैमरा है बट एक्चुअली वो है नहीं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है। तो Realme वालों ने पहले ऐसा कह दिया था कि हम अपने कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करेंगे जो सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, तो हम जो करके फिजिकली करेंगे। तो उन्होंने क्या करा है 16+2 MP कैमरा हालांकि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यार 16 के साथ 2 MP देना रियली मुझे पसंद नहीं आ रहा है इस मामले में। दोस्तों ऐसा किसी ने भी स्मार्टफोन में नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी अपने सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट करूँ कि वो लोग रियल के ट्विटर अकाउंट पर जाएँ, वहाँ पर ट्वीट करें कि यार 16 के साथ एटलीस्ट 5 तो रख ही लेना, क्योंकि यार डेप्थ सेंसिंग में 2 MP उन्हें बदला नहीं आता, एटलीस्ट 5 तो। दोस्तों रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी लीक मुताबिक ये पता चलता है कि 16 के साथ 2+ या फिर 5 भी आ सकता है, 16+2 या फिर 16+5 MP का कैमरा आपको साइड में डुअल कैमरा में मिलेगा। और दोस्तों आगे बात करते हैं, इसने फ्रंट में आपको वही 25 MP कैमरा देखने की बात चल रही है लीक के मुताबिक। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ट्रूली सच नहीं है, लेकिन हाँ 99% तो श्योरिटी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी जो लीक्स आ रही है वो ट्विटर अकाउंट से काफ़ी तरीके से मिल रहा है। जो आपको U1 में रियल U1 कैमरा देखने को मिलता है 25 MP का, वही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन चीज़ क्योंकि इसको टक्कर देनी है Redmi Note 7 Pro को। दोस्तों इसमें आपको चिपसेट मिलने वाला है Snapdragon 710 का मिलने वाला है ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं अगर होगा तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। साथ में स्पेक्स में वही आपको 4GB 6GB रैम का वेरियंट मिलेगा और शायद उसमें आपको मिलेगा 128GB का भी। और दोस्तों बात करते हैं बैटरी जैसे कि इसमें आपको अपग्रेड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि Redmi Note 7 Pro को, तो इसमें आई थिंक और सभी लीक के मुताबिक 4500 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करेगी फूट वाली, जो कि आई होंगी सॉरी जो कि किसकी आती है ओप्पो वाली भी आती है क्विक चार्जिंग वाली, वही सेटअप इसके अंदर होगा जो काफ़ी अच्छे चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपको Android 5 देखने को मिलेगा 9 GB
होगा, प्लस जो रियलमी वालों का भी हाल ही में क्या क्या कलर होगा उसकी, जैसा कि आपको रियलमी 3 पे प्लस उसके वैसा इसके अंदर आपको मिलने का तो काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरी बात करते हैं सबसे बड़ा जो अफवाह फैल रही है इसके अंदर सबसे बड़ा, दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो फोन आ रहा है टक्कर देने के लिए आ रहा है किसको, रेडमी नोट 7 प्रो 13,000 रेंज में स्मार्टफोन है और जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है इस प्राइस में, तो इसको टक्कर देने के लिए उनको रियलमी वालों को इस टक्कर इस प्राइस पॉइंट पर ही अपना फोन लॉन्च करना होगा, या फिर 1,000 ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन स्पेक्स को देखने का मतलब ये नहीं होता कि स्पेक्स बनाते हैं प्राइस ऊपर बना दें 25 जगह पर बना दें, ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि वो टक्कर दे रेडमी नोट 7 प्रो को, दोस्तों इसको टक्कर देने के लिए उन्होंने ऐसा स्मार्टफोन बनाना पड़ेगा जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में आता हो। दोस्तों आप सभी ने इसके मुताबिक ये कह दिया कि ये फुल डिस्प्ले वाला फोन आएगा, अब इसमें कोई कैमरा वैमरा तो है नहीं, वो पॉपअप कैमरा भी कैमरा निकलेगा, दोस्तों ऐसा इसके अंदर नहीं है, आपको नॉच ही मिलने वाला वाटर ड्रॉप नॉच और वहीं पर इसका कैमरा भी होगा फ्रंट का। अब दोस्तों दूसरी बात जो आ रही है वो आ रही है ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर शायद ही कंपनी इसमें डालेगी क्योंकि इसको बजट में भी नहीं आना है, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डालने के बाद इसका 20,000 रुपये तक इसकी कीमत चली जाएगी, और जैसे कि हमने ओप्पो फोन देखा उतरा जाएगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डाला इतना बेटर काम नहीं करता है, तो प्राइस आएंगे थोड़ा बढ़ेगा तो फीचर बढ़ेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो उतना मजा भी नहीं आता यार डिस्प्ले में ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन क्योंकि रियलमी 3 प्रो की बात करते हैं, अब दोस्तों हम बता देता हूँ मैं आपको ये लॉन्च कब होने वाला है। दोस्तों जहाँ तक अभी ये मुताबिक पता चल रहा है कि रियलमी वाले जो है हर स्मार्टफोन 27 तारीख तक लॉन्च कर देते हैं, और उनके ऑफिशियल डेट मुताबिक पता चल रहा है कि भैया लास्ट 20 सेकेंड अप्रैल के सेकेंड वीक तक वो अपने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, तो हालांकि हो सकता है उसी में बोलो अपनी कम्युनिटी भी देते हैं रियलमी प्रो के बारे में, और बाकी जहाँ तक ट्विटर के मुताबिक सुनने में आता है वहाँ ये पता चलता है कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में ही ये रियलमी 3 प्रो लॉन्च होगा। तो जो कुछ अभी हाल ही में अर्जेंटली फोन लेना चाहते हैं वो रेडमी नोट 7 प्रो की तरफ जा सकते हैं, और अगर कुछ वेट करना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रियलमी 3 प्रो के लिए वेट करें, एटलीस्ट कंपेयर तो कर ले कौन सा बेटर है तभी भी, क्योंकि पैसों का आपको उतना कम ही किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास भी रियलमी प्रो के बारे में तो हमें कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों मिलता है दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टीम सेवा, अरे जाना नहीं भाई सब्सक्राइब तो कर लो जो कि बिल्कुल फ्री है।